गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन लाभ आने के कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहले बिल्कुल निचले स्तर से, बिल्कुल बेसिक में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखें, उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जितने रुपये में वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपये में वस्तु बेची जाती है। ठीक है, अब अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि कम में खरीद कर अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, यानी कि बेचे हुए मूल्य में से अगर खरीदा हुआ मूल्य घटा सकते हैं अपन तो आराम अपने को लाभ होगा। इसी प्रकार हानि, खरीदे हुए मूल्य में से बेचे हुए मूल्य घटाते हैं, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं तो क्या होगा? हानि। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करने में अपन कन्फ्यूज होते हैं कहाँ पर। इस बात को अच्छे से याद रखें, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। यानी कि लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करेंगे तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। इसी प्रकार हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। कहने का मतलब ये है कि बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य ही लगता है। आ रही है बात समझ में? कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से अपना चैप्टर शुरू होता है। प्रतिशत जो अपने को दिए होते हैं उसको पहले अपन भिन्न में बदलना यदि सीख ले तो अपने सारे सवाल लगभग क्लियर कर सकते हैं अपन। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है। देखो मैंने प्रतिशत के अंदर आपको बताया था 20%, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे। ठीक है, तो अपन 20% का मतलब हो गया तो 20/100 लिखेंगे इसको। आ रही है बात समझ में? 20/100 इसको अपन हल करेंगे तो ये बन जाएगी भी, अपनी भिन्न बन जाएगी 1/5। ठीक है, इसी प्रकार से 25%, 25% का मतलब हो गया 25/100, यानी प्रतिशत को चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाते हैं और इसकी भिन्न हो जाएगी 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से 15% है तो ये हो जाएगा 15/100। ठीक है, ये हो जाएगा 15/100, तो इसको अपन करेंगे तो देखो कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार। उसी प्रकार 10/100 हो जाएगा इसका, इसको अपन करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12.5% है, 12.5% को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 12, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 25/2% हो गया ये। अब बाकी काम वैसा का वैसा ही करना है, 25/2 और प्रतिशत को चिन्ह हटाने के लिए बट्टे में 100। 25 का कटेगा 100 से 4 बार तो अपनी भिन्न आ जाएगी 1/8। ठीक है, 1/8। अब देखो अपन इनका यूज कैसे करते हैं, लाभ हानि के अंदर प्रॉफिट और लॉस में यूज कैसे करेंगे। जैसे अभी अभी अपन ने ज्ञात किया है कि 20% की भिन्न बदलते हैं तो कैसे कितनी आती है? 1/5। अगर याद रहता है 20% का भिन्न 1/5 होगा, 25% का 1/4 होगा, 15% का 3/20 होगा, 10% का 1/10 होगा, 12.5 का 1/8 होगा। अगर ये चीज़ अपने याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं होती तो फिर इसी तरह से अपन बदल लेंगे। और जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे अपने को याद होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 20% का भिन्न कितना आ गया? 1/5। भिन्न तो अपने को भिन्न में तो अपने को बदलना ही है, चाहे लाभ हो या हानि हो। अगर हानि होती है तो अपने को कैसे यूज करना है, ये है देखने वाली बात। देखो बट्टे में 5 है तो 5 का 5 आएगा, ऊपर जो आएगा वो इन दोनों का अंतर, यानी कि 1 का और 5 का अंतर, 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4। ये काम अपने को करना है। ठीक इसी प्रकार से 12.5% का भिन्न अभी अपन ने निकाला था, कितना आया था? 1/8 आया था, 1/8। अब देखो यहाँ पे क्या है, लाभ। लाभ होगा तब देखो इसके बट्टे में 8 है तो बट्टे में तो आएगा, लाभ होने पे दोनों का योग आएगा कितना? 9/8। जैसे यहाँ पे हानि था तो दोनों का अंतर आया था। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का योग आएगा। इसी प्रकार से 15%, 15% का अपन ने भिन्न निकाला था तो कितना आया था? 3/20। अब ये क्या है, हानि है तो दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 17 और बट्टे में 20। ठीक है, इसी प्रकार से
तीस परसेंट है, 30% का भिन्न कितना आएगा, 3% का अगर अपन भिन्न निकालेंगे तो 3/10 आएगा। क्या दिया हुआ है, हानि दी हुई है, हानि दी हुई है तो दोनों का अंतर हो जाएगा, तो अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 7/10। ठीक है, इसी प्रकार से 25 का भिन्न 1/4, कि क्या दिया हुआ है, लाभ या हानि, अगर लाभ दिया है तो योग करेंगे तो कितना हो गया, 5/4। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए प्रॉफिट और लॉस के अंदर। हानि होगी तो भिन्न अंश व हर को माइनस करके ऊपर लिखेंगे और बट्टे में हर सेम आएगा। लाभ होगा तो अंश व हर को योग लिखेंगे और बट्टे में हर सेम आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, अगर अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं, जब किसी वस्तु को खरीदने या बेचने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम क्रय मूल्य आता है। देखो, विक्रय मूल्य तो तब आएगा जब उस वस्तु को अपन बेचेंगे। किसी भी वस्तु को खरीदने पर क्रय मूल्य का अपने को तुरंत पता चल जाता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य ये है। और विक्रय मूल्य तो यदि उसको बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा, अगर नहीं बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा ही नहीं। तो अपने को ये याद रखना है, पहले क्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसके बाद में विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो प्रतिशत से प्राप्त भिन्न, प्रतिशत से प्राप्त भिन्न कौन सी, जैसे ये प्रतिशत है, इनसे अपने भिन्न प्राप्त की, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी। ठीक है, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो प्रतिशत से प्राप्त भिन्न को पलट कर गुणा कर देते हैं, दी हुई संख्या से पलट कर गुणा कर देते हैं। ठीक है, और जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो प्रतिशत से प्राप्त भिन्न को सीधा ही गुणा कर देते हैं। आगे बात समझ में, विक्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य अगर अपने को ज्ञात करना होगा तो प्रतिशत से जो प्राप्त भिन्न है उसे सीधा गुणा कर देंगे, और अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो प्रतिशत से प्राप्त जो भिन्न है उसे पलट कर गुणा कर देंगे। पलट कर मतलब अंश को हर और हर को अंश बनाकर गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन अपना है, जब किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 900 रुपये में बेच दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले यह तो पता चले अपने को कि लाभ कितना हुआ है। तो लाभ के कितना होगा, मैंने बताया था कि बेचे हुए मूल्य में से खरीदा हुआ मूल्य अपन घटा दिए अगर, तो क्या होगा, लाभ होगा कितना, 100 रुपये का लाभ हो गया। मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, दोनों ही क्रय मूल्य के आधार बनाकर निकालते हैं। ठीक है, लाभ कितना है, 100, और बट्टे में क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना है इसका, क्योंकि खरीदा हुआ मूल्य जो है वही तो क्रय मूल्य है, कितना है, 800, 100/800, और गुणा में 100 हर बार लगेगा। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गई, ये आ गया 100/8। अब ये कितने से कटेंगे, 4 से कटेगा तो आ गया 25, और 4 से कटेगा तो 2, यानी कि 12.5% का लाभ हो गया अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यदि किसी वस्तु को 750 रुपये में खरीदकर 20% लाभ में बेचना चाहें तो बताओ कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी कि अपने को वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, 700 रुपये में खरीदकर वस्तु का क्या दिया, क्रय मूल्य, और लाभ कितना है, 20%। तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने को दिया है कितना, 750 रुपये, और लाभ कितना दिया है अपने को, 20%। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत दिया तो इसकी भिन्न अपन ज्ञात करेंगे, भिन्न कितनी आ गई, 1/5 आ गई भिन्न। अभी मैंने बताया कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत लाने के लिए बट्टे में 100 लगा दिया, और भिन्न क्या आ गई इसकी, 1/5 आ गई। लाभ है इसलिए दोनों अंश और हर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6/5। ठीक है, अब पिछले स्टेप में मैंने बताया था, जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो भिन्न से प्राप्त प्रतिशत से प्राप्त भिन्न को सीधा ही गुणा कर देते हैं, किससे, 750 दी हुई संख्या से, तो ये अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 750 को 6/5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया कितना, 15 × 5 = 75, यानी कि 150 हो गया, और 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90 होता है, और 1 0 कितना, 900। तो उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 900 रुपये में बेचना पड़ेगा। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना, अब जो
प्रतिशत में दिया हुआ है उसका भिन्न बनाएंगे और लाभ और हानि के हिसाब से, यदि लाभ हुआ है तो अंश और हर ऊपर जोड़कर ऊपर आ जाएगा और हर सेम आ जाएगा, हानि दी हुई है तो अंश और हर का योग ऊपर आ जाएगा और हर सेम आ जाएगा, उसी को दी हुई संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक दो बार अपना प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर ही करने लग जाएंगे। 20 का भिन्न होता है 1/5 और लाभ दिया हुआ तो 1/5 है तो सीधा ही 6/5 को गुणा करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहीं पे कर देंगे इसको, 150 × 6 = 900। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है अपने को। अब देखो, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। 1190 रुपये में बेचने पर, यानी कि क्या दिया अपने को, विक्रय मूल्य दिया 1190 रुपये, और क्या होती है, 30% की हानि होती है, लाभ हानि होती है। ठीक है, तो हानि कितनी हुई, 30%। इसकी यदि अपन भिन्न बनाएंगे तो 30/100, भिन्न 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 3/10। लेकिन अपने को क्या करना है, हानि हुई है तो अंश के रूप में क्या आता है, इन दोनों का अंतर, यानी कि 7/10। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था दी हुई संख्या यानी कि विक्रय मूल्य दिया है तो 1190 को क्रय मूल्य जब ज्ञात करना होता है तो प्राप्त भिन्न को इसको पलट कर गुणा करेंगे, किसको, ये जो है 10/7। ध्यान रखना दोस्तों, इसको मत गुणा कर देना, ये तो डायरेक्ट जो भिन्न प्राप्त हुई थी वो है, लेकिन उसके बाद में अपन कुछ चेंज करते हैं इसके अंदर, कभी तो घटाकर लिखते हैं कभी योग करके लिखते हैं, तो जो चेंज करने के बाद में जो भिन्न आती है उसका गुणा करेंगे पलट कर या सीधा। यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य को अपन पलट कर गुणा करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, 7 × 7 4 बच गया तो 9 × 7 7 × 4 70, 170, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका, 1700 रुपये। आ गई बात समझ में, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1700 रुपये। ठीक है, कितना आसान है, देखो एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ये देखो क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 6.5 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो देखो अपने को सेकंड दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, पहला विक्रय मूल्य ये है, दूसरा विक्रय मूल्य ये है, तो पहले विक्रय मूल्य पे अपन बात करते हैं, तो पहले विक्रय मूल्य पे अपन बात करेंगे तो कितना है, 630, और हानि दी हुई है, हानि दी हुई है तो क्या आ गया, 10% हानि आ गई। इसकी इसका भिन्न बनाएंगे तो कितना आएगा, 1/10। लेकिन जिस भिन्न की अपने को जरूरत है वो क्या है, इसको हानि दी तो घटा कर लिखेंगे कितना, 9/10। तो क्या ज्ञात करना है अपने को, क्रय मूल्य ज्ञात करना है अपने को, क्योंकि पहले क्रय मूल्य, तभी तो इस विक्रय मूल्य के एवज में पता चलेगा कि अपने को लाभ और हानि, 630 रुपये बेचने पर उसको 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ होगा, उसको खरीदा कितने में होगा, उसका पता करने के बाद अपने को पता चल जाएगा अगर वो इससे ज़्यादा है तो इसमें भी अपने को हानि होगी, अगर वो क्रय मूल्य से कम है तो अपने को लाभ होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कितना है, पहले इससे ज्ञात कर रहे हैं अपन, इस वाले से, तो 630 × क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो प्राप्त भिन्न को पलट के गुणा कर देंगे तो 10/9, ये कितना हो जाएगा, 7 × 63 यानी 70, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 700 रुपये। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये, लेकिन वो कह रहा है कि 700 रुपये तो क्रय मूल्य, यदि उसको 910 में बेचें तो उस पर लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो ये तो पता चल गया कि लाभ होगा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि वस्तु 700 रुपये में खरीदी थी, अब वो 910 में यदि बेचेगा तो उसको लाभ होगा, कितने का होगा, उसको लाभ हो जाएगा 910 − 700, सॉरी हाँ 700, तो कितना आ जाएगा, 210 रुपये का लाभ हो जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, लाभ प्रतिशत पूछा है उसने, तो लाभ प्रतिशत वही लाभ बट्टा क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य पे होता है, तो 210 सॉरी 210 बट्टा कितना है इसका क्रय मूल्य, 700 × 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब 7 का 210 में भाग देंगे तो आ जाएगा 30% का लाभ आ जाएगा, कितना प्रतिशत का लाभ आ जाएगा, 30% का। ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन हो रहा है, देखो
ये दिया हुआ है देखो, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर यदि बेचें तो 210 270 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने? 270। कोई वस्तु है उसको 20% की हानि पे बेचें या फिर 20% के लाभ पर बेचें, इन दोनों विक्रय मूल्य के अंदर जो दिया हुआ है उसका अंतर कितना दिया हुआ है? 210 रुपये, 270 रुपये। ठीक है, तो देखो इसको, पहले तो हानि का अपन भिन्न बनाएंगे। हानि दी हुई है कितनी? 20%। तो इसकी भिन्न कितनी हो गई? 1/5। हानि है तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखो, लाभ दिया हुआ अपने को कितना? 20% ही अपने को क्या दिया? लाभ। तो लाभ भी कितना दिया? 20%। तो भिन्न तो सेम ही होनी है, 5/4, लेकिन इसमें लाभ दिया हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 6/5, 5 × 6। ठीक है, और ये पहला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के हिसाब से, ये दूसरे विक्रय मूल्य के हिसाब से, जबकि दोनों का अंतर दिया हुआ। क्या दिया हुआ? देखो कहता है कि वो उससे 270 रुपये अधिक प्राप्त करता है। अधिक का मतलब यही तो हुआ कि उसका अंतर है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा? 6/5 − 4/5 बराबर। देखो जब किसी दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो उसके अंश आपस में डायरेक्ट घट जाते हैं, 6 − 4 यानी कि 2/5। तो उन दोनों का अंतर कितना आएगा? भिन्नों का अंतर कितना गया? 2/5। और वास्तविक अंतर कितना दिया हुआ है? 270। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भिन्न है, अंतर वाली जो भिन्न है, अंतर करने जिन इन दोनों भिन्नों का अंतर करने पे जो भिन्न प्राप्त हुई 2/5, ये 2/5 दी हुई संख्या इस अंतर के बराबर है, यानी कि 270 के बराबर है। तो क्रय मूल्य का 2/5 भाग 270 के बराबर है, तो क्रय मूल्य का पूरा एक भाग किसके बराबर हो जाएगा? 270। ये भिन्न इधर जाकर पलट जाएगी, यानी कि 5/2 हो जाएगी। तो 5/2 हो जाएगी, तो इसको अपन इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 135। ठीक है, 135 × 5, और कितना हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे तो 5 को 5 से क्या 25, 2 अपन के हाथ पाई, 5 × 3 = 15, और 2 = 17, 1 हाथ पाई, 5 × 5 = 6, 625 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा हुआ होगा? 675 रुपये, सॉरी 675 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आए? ये अपने सिंपल से बेसिक 5 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। ऐसे समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, अच्छा लग रहा है तो बताइए, अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ लाइक भी करते रहिए। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 17 मिनट का वीडियो हो गया, 17 से ऊपर का ही हो गया है। ठीक है दोस्तों, बाय।